है, ये कितना डेंजरस है कि इस समय कॉर्पोरेट्स ऐसा लग रहा है कि पूरे देश को चला रहे, देश मोदी जी चला रहे या अदानी जी चला रहे। नहीं, सवाल है कि प्रधानमंत्री क्यों मानते हैं, अडानी को क्यों दोष देते हैं। मैं तो अडानी को सलाम करता हूँ कि भाई तुमने ऐसी पकड़ ली हमारी सरकार, एक व्यक्ति होने के कारण, गवर्नमेंट के बाहर होने के कारण। तभी वैसे उनको क्या, वो जरूर उनको उनको भी दोषी ठहराएंगे अंत में, पर तो मूल जो है वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को सफाई देना चाहिए, पार्लियामेंट में इन लोग चलने नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि भाई बताओ आप क्या करने वाले हो इस जो मटेरियल मिली है। करते नहीं है कोई, वहां भी नहीं करते। कांग्रेस की विरोध में आते हैं वो ये हल्ला गुल्ला करके फिर खत्म हो जाती है मामला। लेकिन आप ये बताइए कि जो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, आपने कहा है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछने चाहिए कि ये गड़बड़ कैसे हुई। मेरा ये हाँ, मानना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि पीएम मोदी से आप क्या सवाल करेंगे इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, आप क्या सवाल करेंगे बताइए। मैं क्यों सवाल करूं? मैं जानता हूं कि वो कुछ बोल नहीं, चुप चुप रहेगा, वो जवाब नहीं देगा मुझे। नहीं, आप एक इकोनॉमिक मैं एक्सपर्ट हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ, मैं तो पब्लिक में कह सकता हूँ, पब्लिक मेरी बात मान लेगी, बट ये कुछ करेगा नहीं तो मैं क्या करूं। चाइना का नहीं। उसने सारा जमीन के बारे चुप रहता है, कहता है कोई आया ही नहीं, झूठ बोलता है, और आप लोग सब चुप रहे हैं। अब कोई अखबार वाला नहीं उनसे पूछा कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी मिले कि ये बताइए कि चाइना के बारे आप क्यों चुप हैं, ये कोई बोलना नहीं है, सब नहीं, अपने स्वामी, डर में हैं। जो आपने कल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी, उस जी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपके मन में तीन या चार सवाल, मुख्य सवाल क्या हैं जो आपके हिसाब से मैं सरकार इसमें को पूछने चाहिए? मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसको रिजेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो तो डिबेट करो मेरे साथ, वो नहीं करेंगे। एक्सेप्ट कर रहे होगे तो कार्रवाई कौन सी कर रही है मुझे बताओ, या मैं बता दूंगा क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो भी नहीं करेंगे, और आप भी कुछ नहीं कर सकोगे। मैं तो आपका प्रेस को तो जानता ही हूँ, तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आज की परिस्थिति में ये आ गई है, पब्लिक में जरूर असर पड़ेगा। इंदिरा गांधी को भी हराया, राजीव गांधी को भी हराया था, और पिछले बार सोनिया गांधी को भी हरा दिया था। लेकिन आपके हिसाब से अगर ऐसी रिपोर्ट आ जाए तो क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस समय रिजाइन नहीं कर देना चाहिए था? सेबी की चीफ को रिजाइन नहीं करना चाहिए था? क्या सेबी की चीफ को इस्तीफा देना चाहिए? उसको पहले ही रिजाइन करना चाहिए, वो तो चपरासी है, वो कोई कुछ तो सारे चीज जो कैबिनेट है, कैबिनेट यानी जो जो बाबू लोग हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, वो तैयार करके देते हैं, वो दस्तखत करती है, बजट तो वो नहीं बनाती है, उसको तो बजट बनाना ही नहीं जानती है, उसको इसीलिए बनाएगी, वो दस्तखत करेगी बस। नहीं, आपने कहा कि वित्त मंत्री तो चपरासी हैं, उनको जो भी चीज मिलती है वो उस पे साइन कर देती हैं। तो फिर अगर वित्त मंत्री चपरासी हैं तो सेबी की चीफ क्या है? माधुरी पुरी बुच क्या है? वो उनकी उनकी क्या कहते हैं वो, जो उसको कहते हैं चापलूस कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे। वित्त मंत्री की चापलूस है सेबी चीफ, आप कह रहे हैं? नहीं, वित्त मंत्री की नहीं है, उसका तो अडानी के जरिए प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं। ये वित्त मंत्री तो कुछ नहीं है, वित्त मंत्री के सामने रखेंगे वो दस्तखत करेगी, और क्या नहीं, तो आपके क्या हिसाब थी से वो भी जानते हम। जो रुतबा है वो किसका ज्यादा बड़ा है? सेबी चीफ का बड़ा है मोदी के कार्यकाल में या फिर वित्त मंत्री का? इसमें मैं क्यों जाऊं, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी ने कौन सी चीज ऐसी की है? अब इतने मैं ये कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, आप कहते हैं आप तो फोकस करने चाहते हो इसी में, तो आज इतना ही रखिए, क्योंकि ये मामला डेवलप हो गई, मैं खुद आपको फोन करके बताऊंगा कि अभी हम खुलासा करने के लिए तैयार हैं, ऐसा स्थिति आ सकती है। मैं थोड़ा और कंसल्ट करने चाहता हूँ, क्योंकि मैं करने के बाद फिर कोर्ट में मुझे जाना पड़ेगा, नहीं नहीं, तो तो आप फिर रिपोर्ट पर आप कोर्ट जाएंगे? नहीं। मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मुझे लगा मुझे कोर्ट जाना है, तो मैं कोर्ट जाऊंगा, नहीं, लेकिन बट स्वामी
जो नहीं, जो मैं दो तीन सवाल बस आपसे करूंगी कि ये कितनी खतरनाक रिपोर्ट है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। खतरनाक इसीलिए है कि विदेशियों को पता लग रहा है कि हम क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ये इन्होंने बाहर किया है, परंतु विदेशियों हमारे देश में इसको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और धमका भी सकते हैं, इनको विवश भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। यदि आप अपना इमेज बनाइए कि आप मैं एक बहुत एक निष्ठावान व्यक्ति हैं और वास्तव में आपने चोरी की, उसका सबूत मिल जाए, तो जैसे राजीव गांधी का हाल हुआ, जैसे सोनिया गांधी का हाल हुआ, वैसे यही हाल हो जाएगा इनका भी, उससे हमारी सारी पार्टी को नुकसान होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये विदेशी लोग पूरा देंगे नहीं आपको, और जब देंगे, जब उनको लगता है कि मिस्टर मोदी अडिग है, मोदी अडिग नहीं होगा, वो कोई समझौता करेगा, तो ये आप जानेंगे नहीं और मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं हर चीज पर क्यों करूं, कोई और नहीं है, ये सब लोग बाद में फिर मुझे ही आलोचना करेंगे, और स्वामी किसी को कुछ डिसिप्लिन में नहीं आता है इन्हें इसमें, अरे भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जाओगे तो डिसिप्लिन में कैसे हो सकते हो। नहीं तो क्या ये मोदी सरकार का भ्रष्टाचार जो कि पीक पर है, चरम पर भ्रष्टाचार का केस है, मोदी सरकार को उतारना है, उसका भी कार्यवाही कार्य चल रहा है, और उतर जाएगी तो फिर आशा करते हैं कि अच्छे लोग दोबारा आएंगे और वो इसको शुद्ध करेंगे, जिनको अंदर पकड़ के डालना है अंदर डालेंगे। तो ये ऐसा कोई हम आशा करते रहते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि इतिहास में हिंदुस्तान में हम जब बिल्कुल निराश थे, जैसे इमरजेंसी काल में, तब एक जयप्रकाश नारायण उठ के आए। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें निराश मत होइए, आज के परिस्थिति में ये सारी जो चीजें आई है आप इसको गर्म रखिए, परंतु जहां तक एक्शन की बात है वो मैं नहीं कह सकता होगा या नहीं होगा, हम लोगों को प्रयास करनी चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर बहुत है हमारे देश में बुद्धिजीवियों में कि हम आएंगे तो हमारी ये होगी वो होगा, हम तो हमारे घर के अंदर कोई घुस करके सब सामान तोड़ कर जाएंगे, ये सारी चीजें मुझसे बोलते रहते हैं। तो मैं ये कहेंगे आज के परिस्थिति में पत्रकारों में भी आप हो सकते हैं जो आकर ये सारी सवाल पूछते हैं, परंतु बाकी पत्रकार तो थोड़ा इधर उधर कह के भाग जाते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी, इस रिपोर्ट से जो सेबी और जो पूरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की व्यवस्था है वो उसके बारे में क्या शो होता है? मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का हवाला देते थे, ये सब बेईमान हैं, चोर हैं, गद्दार हैं, देश की बर्बाद करने के रास्ते में ले जा रहे हैं, ये सब कहने के बाद क्या फायदा है? तो मैं जानता हूं वो उसमें क्यों जाएं, कुछ हो सकता है, जैसे 2G में थोड़ा कुछ हुआ। नहीं तो इस पर्टिकुलर देखिए, आपको क्या लगता है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, क्या इसमें सभी चीफ के द्वारा कोई चोरी, कोई बेईमानी, कोई सीक्रेट, ऐसा कोई आपको नजर आता है? उसका कौन करेगा इसको? सरकार तो नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद इसमें फिर फंस जाएंगे, अडानी फंसेगा तो मोदी फंसेगा, तो इसीलिए ये ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम आप लोग कर सकते हो, इसकी जानकारी फैलाओगे और वो पब्लिक में जानेंगे, पब्लिक फिर दिखा देगी। इस बार उन्होंने दिखा दिया, जहां ये 400 सीट्स कह रहे थे वहां 240 हो गई, वैसे मैं तो गुमराह नहीं हुआ उसमें, मैं तो 230 कह रहा था और ये 240 उनको मिली। तो मैं ये कहता हूँ कि आज की परिस्थिति में हमारे पब्लिक में विश्वास होनी चाहिए, और वो तो सिर्फ जब इलेक्शंस होते हैं तभी आ सकते हैं, सड़क में नहीं आएंगे, इसमें हम नहीं चाहते हैं कि वो सड़क में आए भी, इस अराजकता से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग उसकी फायदा उठाएंगे वो फिर वो भी बेईमान ही निकलेंगे। तो इसीलिए मैं आज कहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं, इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े योगदान है,
और इसमें से कुछ निकला नहीं, ये सब मत सोचिए, ये आपने इसको इसकी प्रकाशन कर दिया, इस पर आप जय जयकार करिए। नहीं लेकिन डॉक्टर स्वामी, जो पूरी फाइनेंस की व्यवस्था है सभी पूरे मार्केट को ड्राइव करता है, मार्केट का रेगुलेटर है, आज अगर सभी पर इतने बड़े सवाल खड़े हुए हैं तो क्या देश के जो बाकी रेगुलेटर्स हैं आज उन पर सवाल नहीं खड़े होते? उनका क्या गारंटी है कि उनके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एंगल उस पर उसमें भी निकले? बाकी रेगुलेटर्स निकले तो क्या करें, जिसमें निकलने दो। अब प्रधानमंत्री चोर निकला तो क्या देश के लोकतंत्र खत्म हो गई, की स्वाधीनता खत्म हो गई? नहीं हुई। एक इलेक्शन आया, उसमें लोगों ने परिवर्तन किया। तो मैं ये कहता हूँ कि इस निराशा मत पैदा करिए कि ये सब होने के बाद कुछ नहीं होने वाला है, ये मत बोलिए। ये करना है तो आप कर रहे हैं, आज जो प्रकाशन कर रहे हैं वो करते जाइए, और वही है योगदान। बंधु ये कि ऐसे कुछ नहीं हुआ, बेकार है, काय को हम इतना परिश्रम करें, ऐसा मत सोचिए। मैं तो केवल सवाल खड़े कर रही हूँ, और आपके जरिए आपसे पूछ कर भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि भाई अगर ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है तो आज मोदी सरकार या मोदी जी, अदानी जी, निर्मला सीतारमन जी, आज ये क्या सब बेनकाब हो गए? आप अगर उनसे बात करिए ना, उनसे ही सवाल पूछिए। वो तो हमारे नो देंगे तो उसी को उसी की प्रकाशन करिए कि हम गए थे, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी, हमसे वन टू वन बात करने के लिए तैयार नहीं थी। ये ऐसा होना चाहिए। आप इनको कहीं आने मत दीजिए, किसी प्रोग्राम में आइए, हमें सवाल पूछिए, इस तरीके से होगा। आपको लगता है कि जो पिछले 24 घंटे में जो कवायद शुरू हुई है वो अब मोदी जी और अदानी साहब, वो अब सभी के चीफ को बचाने की कवायद अब शुरू हो गई है? सभी के चीफ का कुछ नहीं होगा, उनको बचा लिया जाएगा? बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेंगे तो फिर इनके लिए आवत हो जाएगी, तो इसीलिए वो उनको बचाने में पूरा लगे रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि सभी की चीफ को फंस गई तो फिर मोदी जी और अदानी भी फंस जाएंगे, इसलिए सभी की चीफ को बचाएंगे? बिल्कुल 100% सही है। लेकिन फिर सर बिग टेकअवेज क्या है, जनता इसको किस तरह से देखेगी? जनता इनको निकाल दें अलग इलेक्शन में, और क्या, यही तो है, यही तो सबक सिखाने की बात होती है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आपने कहा कि आप पढ़ेंगे और इसमें अगर आपको कुछ वाकई में, आपने तो यही कहा कि इसमें 100% तथ्य है, और तो क्या आप कोर्ट जाएंगे इस रिपोर्ट को लेकर? मैं कितना जाऊंगा कोर्ट में, मैं तो वकील भी नहीं हूँ, मैं तो वकालत सीखा हूँ, बट मैं वकील नहीं हूँ, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, मैं तो हिंदुत्व के लिए सारा देश में मेरा नाम है, उसमें मैं कोर्ट केसेस कर रहा हूँ, मंदिरों को बचाने में, मंदिर को सरकार के नियंत्रण से बाहर निकालने में, सब ये सब चल रहा है, तो मैं कितना करूँगा? और इसके कोई पब्लिक में कोई प्रशंसा नहीं है। नहीं लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप सेबी चीफ माधुरी बुच से आज क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा तुम्हारी अंत आ रही है, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि माधुरी बुच का अंत आ रहा है, यानी कि उनके टेन्योर का अंत आ रहा है? वो तो जेल जाएगी, मैं तो हिंदुस्तान की जो प्रक्रिया है मैंने देखा है पिछले 20 साल से, उसमें हिंदुस्तान में हो सकता है भगवान के कारण, उनकी उनके हस्तक्षेप के कारण इंडिया में कुछ हो जाती है, इमरजेंसी कब बढ़ेगा? रोते थे लोग मेरे साथ, मैंने कहा जब भगवान तय करेगा हो जाएगा, तो क्या जब भगवान कर सकता है? मैंने कहा क्या हुआ ऐसे ही, वो आकर उन्होंने इलेक्शन किया, वो हार गई। डॉक्टर स्वामी, आपने कहा कि माधवी बुच को जेल होगी अंत में, 100%। तो अगर उनको जेल होगी तो फिर क्या अदानी जी और मोदी जी बच जाएंगे? नहीं, वो दोनों भी जेल जाना चाहिए मेरी राय में। ये कितना बड़ा घोटाला आपके हिसाब से है? ये तो एक विश्वासघात की बात है। ये घोटाला का सवाल छोटा है, विश्वासघात
विदेशियों के साथ इस प्रकार से हमारे देश को नंगा करना, ये मैं समझता हूँ विश्वासघात है। नहीं, किसने विश्वासघात किया? यही तो ये प्रधानमंत्री अडानी, ये होम मिनिस्टर, ये सारे लोग यही तो हैं। ये सबको निकाल दिया, अडवाणी को किनारे कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को किनारे कर दिया, हमारे गडकरी है उनको तंग किया है, राजनाथ को दुखी किया है, ये सब अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने उनका किया है ऐसा। लेकिन बीजेपी की जो पूरी जो पीआर मशीनरी है वो तो ये कहती है कि भाई अदानी तो देश की तरक्की कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह और अदानी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप ये प्रचार से प्रभावित होते हैं तो फिर आपके बारे भी संदेह करूंगा मैं। नहीं, मैं प्रभावित नहीं हो रही, मैं प्रभावित बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो एक सवाल कर रही हूँ कि जिस तरीके का नैरेटिव बीजेपी की तरफ से आता है। करने दो ना, वो क्या करेंगे, वो तो कहना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो सब उनकी सारी जो खाने पीने चीज हैं सारी तो वहीं से आते हैं, जो ये इस प्रकार के जय जयकार करते हैं, उनके उनकी क्यों ख्याल करते हो आप, पब्लिक तो ख्याल नहीं करती। इसका मतलब बस अब लास्ट को एक दो सवाल आपसे करूंगी फिर इंटरव्यू को खत्म करती हूँ कि डॉक्टर स्वामी, कुल मिलाकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद माधुरी बुच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदानी, ये तीनों को आप इस रिपोर्ट के बाद कहां देख रहे हैं एग्जैक्टली? मान लीजिए जांच हुई नहीं हुई अभी तो पता नहीं है, कोर्ट में कब जाएगा मामला ये भी नहीं पता है, लेकिन ऐसे में ये तीनों कहां हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद? नहीं, तुरंत तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट जरूर इनको एक दीर्घकालीन में इनको जरूर सजा मिलेगी, ये मैं जानता हूँ। जैसे 2G में हुआ था, जब मैंने किया शुरू किया था तो कोई किसी ने विश्वास नहीं किया, पर आखिर में हुआ तो नेशनल हेराल्ड में भी लोग कहते थे क्या तुम ये लोग कभी पकड़ में नहीं आएंगे, पकड़ में आ गए, जेल में गए, बेल लेना पड़ा, आज बेल में है आप लोग। उसका अब कई चीजें हैं हम लाते हैं, जैसे राहुल गांधी का जो नागरिकता आज ब्रिटिश है, इंडियन नहीं है, उसकी जारी दस्तावेज मैंने राजनाथ को दिया, तो राजनाथ जब गृह मंत्री थे उन्होंने नोटिस भेजा तो मोदी ने उनको हटा दिया और इसको लाए, इस मोटू को माने अमित शाह को, और अमित शाह ने एक भी कदम नहीं उठाया, बेशर्म। क्यों नहीं राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया? वो समझते हैं लटका के रखेंगे, और वो राहुल अब मैं कहता हूँ राहुल गांधी कई चीजों मोदी और अमित शाह के बारे कह सकते हैं, बोलते नहीं है क्यों, क्योंकि फिर ये बोलेंगे उसको भी छिपाने के लिए बहुत है। लेकिन और स्वामी सभी जैसे संस्थान में लोगों का अत्यंत विश्वास होता है, आज उस विश्वास का क्या होगा, क्या होगा, इन्वेस्टर्स कहाँ पे आपको पाएंगे? ऐसा एक संस्था होनी चाहिए उस पर विश्वास हो सकता है, बट उसमें कौन बैठता है ये तो प्रधानमंत्री तय करते हैं, और उन्होंने चापलूस लोगों को रखा है तो फिर प्रधानमंत्री के बारे सोचना चाहिए, उसकी छुट्टी करनी चाहिए अगले इलेक्शन में। आपने कहा कि सेबी की चीफ एक चापलूस व्यक्ति होती है और होती है या होता है जो उसको भी चुना जाता है, तो वो प्रधानमंत्री की चापलूसी करता है या अदानी जैसे लोगों की चापलूसी करता है? नहीं, प्रधानमंत्री अदानी का कुछ नहीं है, उसका नाम जो है सिर्फ ये है कि वो मोदी को अपने पॉकेट में रखा है, इतना ही। तो अब सब कुल मिलाकर ये मेरा आखिरी सवाल है, अब कि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आपने दो तीन चीजें कही, आपने कहा कि अदानी ने मोदी को अपने जेब में रखा हुआ है, सभी चीफ को अब कोई विश्वास नहीं कर सकता, आपने कहा कि अंततः उनको जेल ही जाना पड़ेगा, वो कब जेल जाएंगी ये पता नहीं है, ऐसे में मोदी और अदानी दोनों सेबी की गलतियों पर, सेबी चीफ की मैं बात कर रही हूँ, कि सेबी चीफ की गलतियों पर कब तक पर्दा डालते रहेंगे? पर्दा तो अपने ऊपर डाल रहे हैं ना, ये उनके ऊपर कहाँ डाल रहे हैं, उनके बिना तो ये करते नहीं, ये जो सेबी में आए हैं ये तो इनके ये इनके लिए सहायक होंगे, इसीलिए तो इनको बनाया था, ये ईमानदार हैं इसीलिए बनाया, नहीं बिल्कुल नहीं,
इनको बनाया क्योंकि ये अपनी बात सुनेंगे। ओके डॉक्टर स्वामी, अंत में आप सभी चीफ के लिए आज क्या कहेंगे? बस इस बात से भी प्रोग्राम को खत्म करूंगी कि सभी चीफ को आप क्या सलाह देंगे? मोदी और अदानी को तो आपने कई बार बोला इंटरव्यूज में, सभी चीफ आज कटघरे में हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो प्रायश्चित करो। कैसे करेंगे प्रायश्चित? जी प्रायश्चित करें कि वास्तविकता बताएं, मैंने ये की, गलती की, मैंने पाप की और इसके लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार। नहीं, लेकिन कल तो उन्होंने सब कुछ नकार दिया, सब कुछ डिसमिस कर दिया, कहा कि मैंने तो अपने मुझे पूछा आप क्या बोलोगे, मैंने बता दिया। अब वो कहते हैं वो नहीं ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं क्या उसको नियंत्रण में रखा मैंने उसको। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वामी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।